हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम। सामिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एगलेस केक, वो भी मार्बल केक, एंड दैट आल्सो इन ग्लास, एंड दैट आल्सो इन कुकर। सो कुकर में बनाएंगे हम लोग एगलेस मार्बल केक। मार्बल केक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैंने दोनों कलर्स के केक ऐड किए हैं, चॉकलेट एंड वाइट केक। सो बहुत ही टेस्टी है। आप चाहो तो इसको किसी एक ही फ्लेवर में बना सकते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शन ओवर देयर। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लॉकडाउन के लिए परफेक्ट रेसिपी। सो इसके लिए पहले मैं ग्लास लूँगी। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ या आप चाहो तो थोड़े बड़े ग्लासेस भी ले सकते हो, और उसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारा बैटर है केक जब बनता है तो नीचे स्टिक ना हो। और इसमें हम थोड़ा मैदा लेंगे और उसको एकदम अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहो तो मक्के का आटा भी ले सकते हो, उससे भी कोटिंग कर सकते हो, या फिर गेहूं के आटे से भी कर सकते हो। ये इसलिए किया जाता है ताकि वो नीचे स्टिक ना हो, बर्न ना हो। ये देखिए, इसी तरह से मैं दूसरा ग्लास भी कर लूँगी। ये हमारे दोनों ग्लास यहाँ पर कोट हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से। तो अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो एक बाउल में मैं सबसे पहले ऑयल लूँगी, जो कि मैंने आधे कप से थोड़ा कम लिया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, पूरा अच्छे से पीस लिया है, महीन कर लिया है। 3/4 कप जितना लूँगी। इसमें हम कोई क्रीम यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए केक हमारा थोड़ा सा स्वीट होना ज़रूरी है, इसलिए 3/4 कप ज़रूरी है लेना। और एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स करने के लिए यहाँ पर मिल्क लेंगे। मिल्क को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो आप चाहो तो पहले और भी कम इसमें मिल्क ऐड करके उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर सकते हो। कुछ भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, अब हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1/2 टेबल स्पून जितना विनेगर डाला है हमने, विनेगर नहीं हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो 1/2 टेबल स्पून जितना। और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। यहाँ पर मैं 1 कप जितना मैदा लूँगी, ऑल पर्पस फ्लावर। ये कॉर्न फ्लावर है 1 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर लिया है 3/4 टीस्पून, छोटी चम्मच, 3/4 जितनी, आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट। और एकदम अच्छे से इसको छान लिया है हमने। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे स्पैटुला की सहायता से। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ भी यहाँ पर गठलियाँ नहीं बने, लम्स नहीं रहे। और आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ये देखिए, इसी तरह से हम धीरे धीरे इसको एकदम अच्छे से ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो मैं अपना बैटर है इसको आधा कर लूँगी। आप चाहो तो ये पूरा यही बैटर यूज़ कर सकते हो, पूरा सिंगल। और यहाँ पर मैंने कोको पाउडर ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून जितना, या 1 टेबल स्पून भी आप यूज़ कर सकते हो। और नहीं हो तो आप चॉकलेट है उसको मेल्ट करके डाल सकते हो उसमें। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसमें मैं हल्का सा मैदा डालूँगी और उसको एकदम अच्छे से मिक्स करूँगी। और उसके बाद बैटर में मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे नहीं जम जाए। अगर आप ऐसे ही डालते हो ड्राई फ्रूट्स को तो वो नीचे जम जाते हैं, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके डालोगे तो ये सब जगह अपनी अपनी जगह पर सही रहेंगे, एकदम नीचे नहीं जाएंगे। और मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को, और लाइक कीजिए। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको और अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, इसको हम प्री हीट करेंगे। उसमें मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है और ऊपर स्टैंड रखूँगी। और इसकी मैंने देखो विसल निकाल दी है और रबड़ भी निकाल दिया, जो रिंग रहती है वो निकाल दी है। उसको हम लोग 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, ओके। और इसको एकदम बंद करके रखेंगे, सीटी निकाल देनी है उसकी विसल को। ये देखिए, अब मैं एक ग्लास लूँगी, उसमें बैटर पोर करेंगे। तो यहाँ पर मार्बल केक बनाने के लिए हमको इसका एक सीक्वेंस रखना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने पहले प्लेन जो है बैटर उसको मैं डाल रही हूँ, वाइट बैटर को। और उसके ऊपर मैं बीच में सेंटर में देखिए यहाँ पर मैं चॉकलेट वाला बैटर ऐड करूँगी।
आप चाहो तो पूरा चॉकलेट का बना सकते हो या फिर आप पूरा प्लेन बना सकते हो, इट्स अप टू यू। ये देखिए एक एक करके हम उसमें लेयर बनाएंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है यहाँ का। मार्बल केक बनाना है तो आपको ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। ये देखिए हमारा पूरा लेयर बन गया है। अब हम इसको एकदम टूथपिक की सहायता से इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए मैंने फ्लावर टाइप की डिज़ाइन बनाई है। टूथपिक को इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करते हुए सेंटर तक लाना है। ये देखिए हर तरफ से मैंने ऐसे ही किया है, बहुत ही अच्छी फ्लावर जैसी डिज़ाइन बन गई है। अब हम इसको प्री हीट कुकर में डालेंगे स्लो फ्लेम पर 35 मिनट्स के लिए। बहुत ही सावधानी से रखिएगा इसको, और इसको हम अभी ढक्कन बंद कर देंगे। इसकी सीटी नहीं है, विसल नहीं है और रिंग नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 35 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। अगर टूथपिक डाल के चेक करेंगे, अगर टूथपिक ड्राई निकलता है इट मीन्स कि ये बन चुका है। अगर नहीं निकलता है तो अगेन आपको फिर से इसको थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा। अभी देखिए इसको ठंडा होने देंगे और चाकू की सहायता से इसके कॉर्नर्स को निकालते हुए केक को बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही सॉफ्टी एंड स्पॉन्जी केक तैयार हो चुका है, लुक एट दिस। अब हम इसको स्लाइसेस में कट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बता रही हूँ, इसी तरह से बहुत ही धीरे धीरे सावधानी से इसको कट कीजिएगा। लुक एट दिस, यहाँ पर मैंने ग्राउंडेड शुगर या फिर इसको एकदम अच्छे से पीस के उसको एकदम अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे स्ट्रेनर की सहायता से, और ये तैयार हो चुका है हमारा केक खाने के लिए। नोबडी इज़ गोइंग टू वेट, सब लोग तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आता है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।